हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं देखिए तैयार होकर के कहाँ जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के इधर, और उधर जो है आज मतलब मेरे ताऊ के जो बेटे हैं उनके बच्चों का मुंडन है, तो मैं आज वहाँ पर जाऊँगी। तो देखिए बेबी भी तैयार हो गई है। हाय बोलो बेटा। हाय। और मैं भी तैयार हो गई हूँ, और इधर रिंकू भी देखिए कंघी कर रही है अपनी। और मैंने बच्चों के लिए क्या क्या खरीदा, चलिए वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अभी बस नॉर्मली दिखा दूंगी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ना। देखिए एक एक ड्रेस मैंने ये वाला खरीदा, तीनों बच्चे हैं, दो जुड़वा भी हैं। मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी उनसे कि दो बच्चे जुड़वा हैं और एक छोटा वाले बड़े वाले भैया को अभी हुआ है एक बेटा। और एक ड्रेस मैंने ये वाला लिया, इसके बाद में देखिए एक ड्रेस मैंने ये वाला लिया। बैक कैमरे से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, चिंता मत कीजिए। और इसके बाद एक ड्रेस मैंने ये वाला लिया, हौजरी का ही लिया है सारा ड्रेसेस मैंने, क्योंकि बच्चे जो है छोटे हैं और कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं तो इसीलिए। और तीन मैंने मग लिए हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ। दो ये लिए हैं मैंने, ये दो जुड़वा के लिए लिए हैं, एक बेटा एक बेटी है उनको, बहुत ही प्यारे हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक और रेड कलर लिया है जो छोटे वाले के लिए लिया है। गाड़ी वगैरह गिफ्ट वगैरह तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन इस तरीके के गिफ्ट जब हम लोग देते हैं ना तो वो लोग बहुत दिनों तक इनको यूज़ करते हैं और याद रखते हैं कि बुआ लेकर के आई थी। और बुआ का रिश्ता तो वैसे भी एक बहुत ही अलग रिश्ता होता है अपने भतीजों भतीजियों से। और फिर जब मायके जाते हैं तो मायके जाने की तो बात ही क्या है कि मतलब क्या मैं बोलूँ, इतनी खुशी होती है अंदर से कि उसकी मतलब मैं ये कहूँगी कि उसकी बराबरी किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती है। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, और देखिए मैंने इस तरीके की चूड़ियाँ जो हैं पहनी हुई हैं ये वाला सेट लगा करके। और देखिए तो चलिए चलते हैं, है ना। तो ये देखिए, और बेटी के लिए मैंने लिया है कार्टून वाला ड्रेस, इसके बाद एक और भैया है कनिष्क उसके लिए लिया है ब्लू वाला, और सबसे छोटे वाले के लिए लिया है मैंने येलो वाला। देखिए कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये बच्चों को पहनाने के बाद में। तो ये तीनों के लिए मैंने तीनों एक एक जोड़ कपड़े लिए हैं। और इसके बाद में खिलौना ना ले करके मैंने लिए हैं मग्गे, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चाय दूध पिलाने के लिए। इसमें इस तरीके की कैपरी आई हुई है देखिए, और ये गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं कपड़े, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये कपड़े। मैंने आप लोगों को दिखाया ही था वहाँ पे, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को तीनों ड्रेसेस बता दी हैं। तो अभी आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और ये देखिए मग्गा ये लिया है मैंने बेटी के लिए, फिर ये एक और जो छोटा वाला है उसके लिए, और ये एक और कनिष्क के लिए। कनिष्क, कनिष्का और उत्कृष्ट तीन बच्चे हैं, तीनों के लिए मैंने मग्गे लिए हैं। और ये देखिए हमारे जो हैं गिफ्ट बन करके हैं तैयार। तो मिलते हैं आपसे जाने के बाद में वहाँ पर। मैं सबसे आपको इंट्रोडक्शन कराऊँगी, मेरी मम्मी पापा और मतलब मेरी ताई लोग सबसे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर, और मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ कि कौन 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 है। तो देख सबसे पहले, तो देखो ये है मेरी बड़ी दीदी, नहीं बड़ी नहीं छोटी वाली, रिंकू को आप जानते ही हो। और ये वाली दीदी है मेरी बड़ी वाली दीदी, सबसे बड़ी दीदी है ये हम लोगों में। इसके बाद ये भैया है मेरे, मेरे बुआ के बेटे छोटे वाले। इसके बाद बिट्टू, इसके बाद ये है मेरी मम्मी, और इसके बाद मिलवाती हूँ देखो मैं बड़ी मम्मी से, ये है मेरी असली मम्मी, सब नकली बेटे। ये मेरी बड़ी वाली अंजी वाली मम्मी है, मेरी मम्मी से बड़ी वाली जो है वो। और इसके बाद ये है मेरी चाची, सबसे छोटी वाली चाची, और ये है मेरी बड़ी मम्मी, देखो ये सबसे बड़ी मम्मी है और सबसे अच्छी मम्मी। इसके बाद ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ, और ये सबसे छोटी बुआ छोटी भाई। ये बुआ दादी, बुआ दादी बैठी, ये मेरी दादी, ये मेरी दादी है,
तो देखिए आप लोगों को मैंने सबसे मिलवा दिया मेरे परिवार में, और अब हमारी पार्टी जो होगी वो इंजॉय करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने भतीजे भतीजे के पास में, और ये दोनों जुड़वा हैं, कनिष्क और कनिष्का। बेटे का नाम कनिष्क है और बेटी का नाम कनिष्का। और देखिए कितने प्यारे हैं दोनों, और दोनों को इस तरीके से गोद में बिठाते हैं ना तो बहुत सुकून का अनुभव होता है। और भगवान इन दोनों को खुश रखे, दोनों स्वस्थ रहें हमेशा, और बड़े बड़े हो जाएँ जल्दी भगवान करे। ये हमारी नई पीढ़ी है, मतलब हमारे परिवार की नई जनरेशन है जो कि अब भगवान ने हमारे पास भेजा है इन लोगों को। तो खुश रहें दोनों, और देखिए कितने अच्छे से बैठे हैं, इतने मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं ना, बहुत ही अच्छे। और कोई बैठा लेता है ना तो सबके पास में जाते हैं, खेलते हैं। और देखिए कपड़े चेंज कर करके बेचारों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो ये देखिए सब लोग इनके लिए कपड़े जब भी ड्रेसेस वगैरह लेके आ रहे हैं ना तो एक जैसी लेकर के आ रहे हैं, कैप वगैरह सब कुछ एक जैसा। और मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और देखिए मेरी दादी पूछ रही है कि ये किसकी बहू है, मतलब मेरी दादी मेरे को पहचान नहीं पा रही क्योंकि वो ज़्यादा एजेड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो भूल पहचान नहीं पाती हैं एकदम से कि कौन आया है। और मेरी ताई उनको बता रही हैं कि ये पिंकी है, तो वही दादी बोल रही है कि ये साड़ी तो पहनी हुई है, फिर ताई बोल रही है कि मतलब ये साड़ी नहीं पहनी, सूट ही पहनी है। तो वही देखिए अब मेरे को पहचाना, क्योंकि सभी बहनों में मैं ही सिर्फ अकेली सूट पहनती हूँ, और मुझसे जो बड़ी वाली है प्रीति वो पहनती है, हम दोनों बहनें ही पहनते हैं। और देखिए कैसे हाथ फेर रही है, मतलब इस तरीके का प्यार जब मम्मी की मम्मी और दादी वगैरह करती हैं ना तो आँखों से आँसू ऐसे ऐसे हो जाता है, आँखों में आँसू आ जाते हैं एकदम से। और ये देखिए ये दीदी को तो आप जानते ही हो, ये मेरे ताऊ की छोटी वाली बेटी हैं, मतलब हमारी दीदी मुझसे बड़ी वाली, और बहुत प्यारी और सुंदर हैं ये, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे ये पार्लर का काम करती हैं। और ये आ गए हैं मेरे बुआ के छोटे वाले बेटे, और हम लोग सब लोग इसी तरीके से इंजॉय करते हैं ना, कोई छोटा ना कोई बड़ा। और देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बता रहे हैं कि कौन कब आया, कितने बजे आया, कौन कैसा है क्या नहीं है। और दादी देखिए मेरी बहुत बूढ़ी हो गई हैं, और ताई भी, सभी लोग बैठे हुए हैं, मौसी वगैरह, और मतलब इसी तरीके से आते जा रहे हैं। हम लोग थोड़ी जल्दी चले गए थे क्योंकि घर वाले लोग पहले चले जाते हैं, थोड़ा सा मिलना हो जाता है, और ज़्यादा भीड़ होने के बाद में फिर मिलना जुलना होता नहीं है। और मैं देखिए कैसे बीच में बैठी हुई हूँ, और बेबी देखिए सब लोग उनको आशीर्वाद दे दे के फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो बेबी भी देखिए उनको आशीर्वाद दे रही है और फ़ोटो खिंचवा रही है, देखिए मतलब वो भी देख देख के फ़ोटो खिंचवा रही थी। और अब हम लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो हम लोग अपने अपने कपड़े जो लेकर के आए हैं, जो जो जिसके लिए उनके लिए पहना रही हूँ मैं और मम्मी। तो ये देखिए बेटी को मैंने पहना दिए, और मैं उनके लिए आप लोगों को दिखाया ही था कि मग्गे वगैरह लाई थी, खिलौने नहीं लाई थी। और देखिए क्या बोलते हैं, मैं मतलब हौजरी के कपड़े ही हमेशा लाती हूँ, और इस तरीके के कपड़े बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं और उनको बहुत पसंद आते हैं, उनकी मम्मी को भी, कि ये वाली बुआ बहुत अच्छे कपड़े लेकर के आती है। और देखिए बेटी को मग्गा दे दिया बेबी ने, और अब ये दूसरे नंबर वाले बेटा जी की मतलब आ गए हैं, अब इनको कपड़े पहना देते हैं। तो बच्चे देखिए कितने खुश हो रहे हैं, दोनों देख रही है देखिए ये कनिष्का कि कैसा मग्गा है। और पहले मैं जब गई थी ना तो इन लोगों के लिए बजने वाली एक गिलासिया आती है, छोटी सी गिलास आता है बजने वाला बच्चों का, वो लेके गई थी। और सब लोग बोलते हैं कि तेरी चॉइस बहुत अच्छी है, तू कुछ हटके सोचती है। तो मैं इसी तरीके के गिफ्ट देना सबको पसंद करती हूँ, ताकि जो यूज़ में भी आएँ, बच्चे यूज़ भी करें। खिलौनों का क्या है, बच्चे बहुत सारे लेकर के आते हैं खिलौने तो हमारे रिलेशन वाले लोग, बट इस तरीके की चीज़ जब हम लोग बच्चों को देते हैं ना तो यूज़फुल होती हैं। और देखिए कैसे देख रही है वो, और देखिए बेटा को भी कपड़े पहना देते हैं हम। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए।
दोनों जुड़वा है ना। गणेश की बहन दिख रहा है, हाय कर लो बेबी, क्या नाम है, हाय कर लो, हाय कर लो, वाली पी गए, हाय कर दो, हाय कर लो, इतना तो रख ये देखो, हाय कर रही है, हाय कर दो, हाय हाय हाय, वो तो चाय पी रही है। तीसरे नंबर वाला, ये देखो, इधर देखो, इसको भी दे दो एक मग्गा, इसका मग्गा आएगा रे, इसका मग्गा, अरे रे, बेबी दे देगी, बेबी दे दे, ले लो बेटा, अरे नहीं निकल रही है, ऐसे दे दे दो, निकाल लो, दूध पी लेना इसमें है, बेबी तो बैठ तो गया। और ये सबसे छोटा वाला है, बड़े छोटे वाले के दो जुड़वा हैं, और ये बड़े वाले भैया के बेटे से बड़े हैं, मतलब छोटे वाले के, क्योंकि उनकी शादी पहले हो गई है और बड़े वाले की बाद में। तो ये देखिए उसको कपड़े पहना रहे हैं, ये बहुत शैतान है, इतना मारता है ना, बहुत ज़्यादा शैतान है ये, सबको मारता है, बड़े बड़े लोगों को मारता है, इसको पकड़ के ही रखते हैं हम लोग, बच्चों के पास में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत शैतान है। और ये जो बैठी हुई है ना, ये मुझसे बड़ी वाली है, मतलब मेरी दीदी लगती है, दीदी है मेरी, तो प्रीति बोलती हूँ, बट दीदी है मेरी, मुझसे बड़ी है। और ये देखिए उसको कपड़े पहना दिए हैं, और अब थोड़ी देर में खिला लेती हूँ, बहुत मारता है, इतना ज़्यादा शैतान है ना वो, बहुत ज़्यादा। और देखिए इसको भी मैंने मग्गा दे दिया है, ये भी पिएगा अपना दूध उसमें। और अब देखिए खाने का टाइम हो गया है, खाने में क्या क्या बना हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चलिए इन्जॉय कीजिए। उन लोगों ने घर के लोगों के लिए खाना पहले ही स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो घर के लोग हैं आराम से खाना अपना खा लें बैठ करके, और फिर जो बाद में मिलने वाले लोग आएंगे या बाद में जो धीरे धीरे करके खा लेते हैं खाना, तो फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है और आराम से सब लोग खाना खा लेते हैं। और खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और देखिए बेबी भी आ गई है, और ये मटर पनीर की सब्ज़ी, और क्या क्या बना था, पुलाव, दाल, और ये मिक्स वेज, नमकीन पूड़ी, पूड़ी, पापड़ी, सब कुछ बना हुआ था। तो इसीलिए खाना पहले स्टार्ट करवा दिया था, ताकि मतलब जो लोग आ गए हैं वो लोग खा लें, और शांति से कार्यक्रम चला और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो चलिए एंजॉय करते हैं। छोटी वाली दीदी, तो देखो हम सब लोग इतनी सारी बहने हैं, कैमरा छोटा पड़ रहा है देखो,
और सब लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, आप लोग बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें भैया, नहीं तो 20-20 रुपए लगेंगे। आज हम लोग आए हैं, मतलब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है वैसे भी पहले से कि बर्थडे में आए आज हम लोग, और मेरे 3 भतीजे भतीजियां हैं जो एक बराबर हैं, 2 जुड़वा हैं, और वाली भाभी से भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगी जो जुड़वा हैं उनसे भी। और देखो मम्मी बुलाने आ गई, खाना खाएंगे हम लोग, चलो आप लोगों को घुमाते हैं ना। तो देखिए हम लोग आ गए हैं नीचे, अब जाते हैं खाना खाने के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और इस फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट भी मैं इसका डालूंगी ताकि जो है आप लोगों को अच्छे से सब कुछ दिखा पाऊँ, और ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। तो सेकेंड पार्ट के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका जो है सेकेंड पार्ट डांस वगैरह जो होगा और बहुत इंजॉय करेंगे वो सब लोग, सब चीज़ में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए।